जो अल जजीरा का इन्वेस्टिगेटिव यूनिट है कि इंडिया जो है वो मॉरिशियस में या एक मॉरिशियन आइलैंड के करीब जिसका नारायण का नाम है अगलीगा, वहां पे एक नेवी की बेस बना रहा है। इंडिया जो है अपना जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है उसको कम करना चाहता है। यहां से ये अफ्रीकन रीजन के ऊपर चाइना की जो चाइना तो के ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स अफ्रीकन रीजन में जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये यहां पर नजर रख सकते। ये इस वक्त नाज़रीन पावर गेम चल रही। इंडियन नेवी का एक ही गोल है, एक ही मकसद है कि जो हेगमनी चाइनीज हेगमनी जो दुनिया में देखने को मिल रही है उसको काउंटर किया जाए। भारत बहुत बड़ा मुल्क है, डिस्ट्रॉयर तबाहकुन जहाज जिसको ठीक कहते है, हैं, ठीक। उसका उर्दू में तर्जमा यही होगा, और तैयारा बरदार जहाज हमारे पास नहीं है, इंडिया के पास एक। मॉरिशस के साथ भारत ने एक रक्षा समझौता किया है और उस समझौते के अंतर्गत भारत मॉरिशस के एक द्वीप नॉर्थ अगलेगा पर अपना मिलिट्री बेस तैयार किया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में ज़्यादा चिंता प्रकट की जा रही है। अपने रक्षा जरूरतों के अनुसार भारत को अपने हिसाब से सुरक्षा उपबंध करने, मिलिट्री बेस दूसरे देशों में रखने का पूरा हक है। इस पर पाकिस्तान को मिर्ची लगने की बात समझ से परे है। इस संबंध में कुछ और विस्तार से आइए आगे सुनते हैं। जो अल जजीरा का इन्वेस्टिगेटिव यूनिट है कि इंडिया जो है वो मॉरिशियस में या एक मॉरिशियन आइलैंड के करीब जिसका नारायण का नाम है अगलीगा, वहां पे एक नेवी की बेस बना रहा है और वहां पे तकरीबन 300 लोग रह रहे हैं। 1100 किलोमीटर वो जो है वो दूर है बेसिकली मॉरिशियस की जो मेन आइलैंड है उससे। अब आके हमें पता ये चलता है कि एक तरफ चाइना ने जबूती में अपनी जो है वो मिलिट्री बेस बनाई, इधर से इंडिया भी लगा हुआ है। अच्छा गल सब ये बताइएगा कि हाउ डू यू सी ये इंडिया की क्या डिजाइन है कि आपने मॉरिशियस में जाके एक अपनी जो है वो नेवी ने बेस बना ली, इससे इंडिया क्या बताना चाहता है दुनिया को? इंडिया दुनिया को कुछ नहीं बताना चाहता। इंडिया जो है अपना जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है उसको कम करना चाहता है। मेरा ये मानना है कि इस तरीके की एक्टिविटी करनी इसलिए जरूरी है कि आपने चाइना को काउंटर भी करना है, और चाइना को काउंटर करने के लिए आपको ये बेसबाजी करनी पड़ेगी। और ये मॉरिशस में ही नहीं, ये और भी जो आइलैंड कंट्रीज है वहां पर ये काम करने की इंडिया जो है वो कर रहा है, करता है। अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भी अपने जो हम लोग बेस नहीं कहते हैं उसको मिलिट्री ट्रेनिंग टीम कहते हैं, क्योंकि बेस का मतलब होता है कि कॉम्बैट उस तरीके से इस्टेब्लिश करना, वो कॉम्बैट इस्टेब्लिशमेंट नहीं करते हैं हम मिलिट्री ट्रेनिंग टीम इस्टेब्लिश करते हैं। सेंट्रल एशिया में भी इस तरीके से मिलिट्री ट्रेनिंग टीम है, तजाकिस्तान में है और इसी तरीके से उज्बेकिस्तान में भी है, वियतनाम में है, भूटान में है और लाइकवाइज और भी कई जगहों पर हमारी ट्रेनिंग टीम है, अफ्रीकन कंट्रीज में भी है। मेरा दिमाग उतर रहा है अभी ध्यान से कहाँ कहाँ है। भारत की जानिब से कुछ खुफिया और कुछ सामने सामने अपने मुल्क से बाहर बेसिस बनाए गए हैं। मॉरिशस को लिटिल इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 50 से लेकर 60% तक जो है वो हिंदू बसते हैं, बड़ा प्रो इंडियन है। इन्होंने जो मिलिट्री बेस बनाई है डेफिनेटली इसका फायदा तो इन्हें किसी हद तक है, क्योंकि यहां से ये अफ्रीकन रीजन के ऊपर चाइना की जो चाइना तो के ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स अफ्रीकन रीजन में जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये यहां पर नजर रख सकते। ये इस वक्त नाज़रीन पावर गेम चल रही है। दिस इज अ पावर गेम राइट नाउ जो हमारे रीजन में है, जिससे डेफिनेटली आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर्स, ये जो पॉलिसी है इससे पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो अपनी दूर भी लगा के नजरें जमा के हमारे रीजन पे बैठी है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बड़ी गेमें जो है वो खेली जा रही है। अच्छा गल साहब ये भी बताइएगा जो ये इंडो पैसिफिक में जो बढ़ते हुए खतरात कह लें आप, या जो जो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन जो ग्रेट पावर्स का है जिसमें इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है क्वाड में और चाइना उसके मुकाबले में है, और ये कहा जा रहा है कि जो इंडो पैसिफिक और ये सारा जो इंडियन ओशन है ये आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले कुछ सालों में एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, तो आप ये कह रहे हैं कि जी ठीक है ये एक ट्रेनिंग मिशन है और इसके ये है, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया बेसिकली अपनी एक स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी इनहेंस कर रहा है
और ये भी बताइएगा कि क्या ये इंडिया की तैयारियों में से एक है, क्या आइंदा भी इंडिया इस तरह की कोई बेसिस बना सकता है, और इसको लिंक कीजिएगा इंडिया की फाइनेंशियल पोजीशन के साथ। चाइना की इकोनॉमी हमसे काफी ज्यादा बड़ी है, तो चाइना का स्केल ऑफ इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत आगे, उसका तो मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन $4 trillion इकोनॉमी जो है वो कोई थोड़ी छोटी इकोनॉमी नहीं होती, और जहां तक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का सवाल है, उसमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए अगर आपको मिलिट्री ट्रेनिंग टीम इस्टेब्लिश करनी पड़ जाए तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम होती है उसका खर्चा वो मुल्क उठाता है जहां पर वो लगाई जाती है, उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं होता इतना। मुझे ये भी तो समझना है कि मॉरिशियस के क्या ऐसे डिजाइन हैं जो वो इंडिया से जो है वो सारी, और वो भी ये जो आइलैंड है 1100 किलोमीटर दूर है मॉरिशियस मेन आइलैंड से, तो क्या आप समझते हैं कि मॉरिशियस को इंडियन नेवी की जरूरत है ताकि वो मॉरिशियस को प्रोटेक्ट कर सके, या कि आपके भी तो कोई इसमें कोई ना कोई हमारे इंटरेस्ट जो है, हमारे स्ट्रेटेजिक आर्क जो है स्विस कैनाल सिनाई पेनिनसुला से लेके और साउथ चाइना सी तक, ये पूरा आर्क स्ट्रेटेजिक आर्क फैला हुआ है, और यहाँ पर हम अपनी शिपिंग की दफा भी करते हैं और हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको भी लुक आफ्टर करते हैं। हमारे जो बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडियन ओशन में है वो फ्रांस है, और फ्रेंच नेवी इंडियन नेवी का एक ही गोल है, एक ही मकसद है कि जो हेगमनी, चाइनीज हेगमनी जो दुनिया में देखने को मिल रही है उसको काउंटर किया जाए, और जितने भी डेमोक्रेटिक मुल्क हैं वो सब इकट्ठे आए इसी चीज से, और उसी चीज के लिए हम लोग वहां बैठे हुए हैं। तो इंटरेस्ट की बात होती है, इंटरेस्ट जिस हिसाब से है आपका उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करते हैं। अब हमारा फुटप्रिंट बड़ा बड़ा बढ़ रहा है, अब $4 trillion की अगर इकोनॉमी है तो फिर ट्रेड हो रहा है, तभी इकोनॉमी है उतनी बड़ी, ट्रेड है। अगर ट्रेड को आपने अपने सेफगार्ड करना है तो उसके लिए आपको फ्रेंडली कंट्रीज चाहिए। अब आप देखिए कि अगर फ्रेंडली कंट्रीज ना हो तो क्या होता है, इसराइल और ईरान के बीच में देख लीजिए, अभी हाल ही में उनकी शिपिंग के ऊपर ईरानियों ने हमला कर दिया, अब इसराइलियों ने भी धमकी दे दी कि हम भी कुछ करेंगे, तो ऐसे फिर क्या होता है, ऐसे ट्रेड पे खतरा बढ़ जाता है। पहले सी पायरेट्स होते थे, सी पायरेट्स कम हो गए तो कोई और खतरा खड़ा हो जाएगा, और कल अगर ईरान और इसराइल के बीच में जंग होती है तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इसराइल, उसकी भी हेल्प करनी पड़ेगी। हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अभी सऊदी अरेबिया और यूएई डेवलप हो रहा है, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन मिडिल ईस्ट में पड़ती है तो कहां से असिस्टेंस आएगी, कैसे होगी, नेवी का गेम कैसे खेला जाएगा। वो इंडियन नेवी ब्लू वाटर नेवी है, ब्राउन वाटर नेवी नहीं है, तो वो डीप इनसाइड द ओशन गेम खेलने की कैपेबिलिटी रखती है, उसमें ये ताकत है, तो उसी हिसाब से वो अपनी ताकत को नजर रखते हुए, अपने इंटरेस्ट को नजर रखते हुए, अपने अपना जो स्ट्रेटेजिक जो आपका जो स्फीयर है उसके अंदर आप रहते हुए और अपने पूरे उसकी दिफा करते हुए, तो ये आप ऐसी तफ्तीश बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, और वो आप देख रहे हैं होते हुए। अभी अभी जैसे अभी एक नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर भी बन रहा है, उसके बाद में तीसरा भी बनना है, फिर न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स जो है वो टोटल 6 बननी है, उसमें सब सरफेस न्यूक्लियर मिसाइल अटैक वाली सबमरीन्स अलग है, एंटी शिपिंग एंटी सबमरीन न्यूक्लियर मिसाइल्स न्यूक्लियर सबमरीन्स अलग है। तो ये जो चीजें हैं ये एक आपकी स्ट्रेटेजिक रीच और स्ट्रेटेजिक गेम जो आप आगे आने वाले टाइम में खेलेंगे उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह एयरफोर्स भी एयर टू एयर रिफ्यूलर्स में इंटरेस्टेड है बहुत जबरदस्त, और ये भी बात सुनने में आ रही है कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी इंडक्ट करने के लिए कुछ बातें चल रही हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन है। सो ये सारी चीजें जो है ये किसी डायरेक्शन में एक इंडिकेट करती है। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक देश है, दरअसल यह एक टापू पर यानी आइसलैंड पर स्थित है, इसके चारों तरफ से समुद्र है जैसा कि टापू में होता है।
मॉरिशस के साथ तीन और टापू या आइसलैंड जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक अगेलेगा है, जहां पर भारत अपना मिलिट्री बेस बना दिया है। आप लोगों को पता ही होगा कि मॉरिशस भी भारत की तरह अंग्रेजों के अधीन था, और अंग्रेज वहां पर गन्ना उगाने के लिए, क्योंकि वहां की जो ज़मीन है गन्ना उगाने के लिए बहुत मुफीद मानी जाती है, तो उसमें मजदूरी के लिए अंग्रेजों ने भारत से लोगों को वहां ले जाकर बसाया था, जिन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। इस कारण मॉरिशस की भाषा जो है आज तक हिंदी और भोजपुरी दोनों वहां पर बोली जाती है। भारत के मॉरिशस के साथ हमेशा से पारंपरिक अच्छे राजनीतिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। मॉरिशस के अगेलेगा द्वीप पर भारत जो मिलिट्री बेस अपना कायम किया है, उसके दो मुख्य मकसद हैं। पहला, मॉरिशस को सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि मॉरिशस से दोस्ती बढ़ाने के लिए चीन बहुत लंबे समय से डोरे डाल रहा है, प्रयास कर रहा है। भारत को यह हिंद महासागर में एक सैनिक बेस देता है, ताकि वक्त जरूरत पड़ने पर भारत वहाँ से अपनी सैनिक कार्रवाई कर सके। भारत से मॉरिशस की दूरी मात्र 5110 किलोमीटर है। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत के अंदर भी अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करें तो इसकी दूरी 3676 किलोमीटर है। तो इस हिसाब से 5110 किलोमीटर की जो दूरी है, जहां पर भारत अपना मिलिट्री बेस बना रहा है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि भारत केवल मॉरिशस में ही अपना मिलिट्री बेस बना रहा है, भारत इसके अलावा भी अन्य 9 जगहों पर या 9 देशों पर अपना मिलिट्री बेस बना चुका है, जिसमें से है ताजिकिस्तान, भूटान, सीचिल्स, मेडागास्कर, ओमान, ईरान, सिंगापुर, वियतनाम और नेपाल। इसमें से ताजिकिस्तान और वियतनाम वाला जो मिलिट्री बेस है वह ज़्यादा चर्चे में है, क्योंकि साउथ चाइना सी पर नज़र रखने के लिए जो वियतनाम वाला भारत का मिलिट्री बेस है वह ज़्यादा अभी कारगर है, और वह उस पर ज़्यादा गतिविधियां हो रही हैं। अब लोगों को पता है कि चाइना को घेरने के लिए एक क्वाड संगठन 4 देशों का बना है, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है, और यह क्वाड संगठन चाइना को साउथ चाइना सी में घेर रहा है, क्योंकि चीन अपने हाथ से निर्मित मालों को साउथ चाइना सी से होकर देश के अन्य भागों में ले जाता है। तो अगर चीन का गला दबाना है, उस पर लगाम लगानी है, तो उसके आर्थिक गतिविधियों पर ही लगाम लगाना होगा, तभी चीन पर लगाम लगाया जा सकता है। इसलिए क्वाड संगठन बना है कि अगर जरूरत पड़ा और चीन बेकाबू हो गया तो चीन की आर्थिक गतिविधियों का, यानी चीन अगर माल बाहर ले जा रहा है तो वहीं पर उसको अवरोध पैदा किया जाए, रोक दिया जाए, तो चीन पर लगाम लग सकती है। साथ ही जो ताजिकिस्तान का मिलिट्री अड्डा है वह भारत के लिए पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए जरूरी है, क्योंकि ताजिकिस्तान से मात्र 10 मिनट के अंदर ही बमबर्षक विमान भारत के आकर पाकिस्तान पर बमबारी कर सकते हैं। और यह तब सोचा गया कि जब 99 में कारगिल हुआ, और कारगिल में जब हवाई कार्रवाई की जरूरत हुई, तो एक तरफ से तो हवाई कार्रवाई कारगिल के चोटियों पर हो रही थी, लेकिन वह उतना कारगर साबित नहीं हो रहा था। तब यह उस समय के जो हमारे चिंतक थे, जो मिलिट्री के लोग थे, उन्होंने सोचा कि अगर दो तरफ से कार्रवाई हो तो फिर वह ज़्यादा कारगर होगा। इसलिए पाकिस्तान के दूसरे तरफ जो ताजिकिस्तान स्थित है, वह पाकिस्तान के दूसरे तरफ है, वहाँ से अगर हवाई अड्डा हो तो पाकिस्तान पर दोनों तरफ से हवाई हमला किया जा सकता है। इसलिए अभी ताजिकिस्तान का जो एयरबेस है वह ज़्यादा यूज में है, या ज़्यादा उस पर गतिविधियाँ हो रही है, और वहीं से जो अफवाहें उड़ती हैं पाकिस्तान में आए दिन कि भारत के विमान आकर अफगानिस्तान पर गोलाबारी कर रहे हैं या हवाई हमले कर रहे हैं, उसमें ताजिकिस्तान का ही नाम लिया जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर ताजिकिस्तान से सटा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।